हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्टमक में एससीएल का सीक्रेशन होता है। एक्चुअल में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर एक पंप आएगा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। इसी पंप के थ्रू एससीएल का सीक्रेशन होता है। तो जो एक बेसिक क्वेश्चन है कि ये जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक में जब एससीएल का सीक्रेशन होता है तो उसकी जो प्राइमरली जो उसकी पीएच होती है वो करीब करीब होती है 0.08। बहुत हाईली एसिडिक होता है। तो वो इतना एसिडिक होने के बावजूद स्टमक को डैमेज क्यों नहीं करता है? तो पहला आंसर हो गया उसका कि स्टमक की वॉल पर कुछ म्यूकस का सीक्रेशन हो रखा होता है। म्यूकस की एक मैक्सिमम लेयर होती है जो कि इसको डैमेज होने से बचाती है। राइट आंसर है इसका। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जब ये एचसीएल का सीक्रेशन होता है तो जो सेल एचसीएल का सीक्रेशन करती है वो खुद क्यों नहीं डैमेज होती? जैसे ऑक्सेंटिक सेल जो कि एचसीएल का सीक्रेशन करेगी तो वो स्वयं क्यों नहीं डैमेज होती है? एचसीएल तो बहुत हाईली एसिडिक होता है, पीएच बहुत कम होती है, तो सेल डैमेज हो जानी चाहिए। तो इसका आंसर ये होता है कि एचसीएल की फॉर्म में सीक्रेट ही नहीं होता है। ये एच प्लस और सील माइनस आयन अलग अलग पंप के थ्रू पंप किए जाते हैं, और ये दोनों स्टमक की लुमेन के अंदर एचसीएल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए एचसीएल सीक्रेटरी सेल्स यानी कि ऑक्सेंटिक सेल्स या पैरेटल सेल्स खुद डैमेज नहीं होती है। अब इसकी बात करते हैं स्टमक की वॉल पर इस तरह से डिफरेंट सेल्स लगी होती है। मान लो ये स्टमक की वॉल है तो ये इधर सेल लगी हुई है, इधर भी सेल्स लगी हुई है। तो कुछ म्यूकस सेल्स होती है जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है जो कि इसको डैमेज होने से बचाती है एचसीएल से, और इनके बीच में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कहलाती है ऑक्सेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स जो कि एसिड सीक्रेटिंग सेल्स होती है। इन सेल्स की विशेषता है कि इनमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक माइक्रोवेलाई जैसी स्ट्रक्चर, माइक्रोवेलाई नहीं होती है लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें कहते हैं कैनालिकुली, और इन कैनालिकुली की सरफेस पर पोटेशियम हाइड्रोजन एंड पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है जो कि एच प्लस एंड के प्लस आयन का एंटीपोटर होता है जो कि एच आयनों को यहां पंप करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन। तो ये बीच में पैराइटल सेल, इधर ल्यूमेन ऑफ कैनालिकुली, और पैराइटल सेल के जस्ट पीछे जहां पर ब्लड सप्लाई होती है यानी कि ब्लड कैपिलरीज का जाल होगा, और यहां इनके बीच में ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होगा कि CO2 एंटर करेगी पैराइटल सेल में, और ये CO2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगी, CO2 और OH माइनस मिलकर बनाएंगे HCO3 माइनस कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और HCO3 माइनस को पंप कर दिया जाएगा एनायन एक्सचेंज प्रोटीन के थ्रू, यानी कि HCO3 माइनस बाहर जाएगा और Cl माइनस अंदर आएगा। लेकिन इस प्रोसेस में H प्लस आयन रिलीज होते हैं, और इन H प्लस आयन्स को हाइड्रोजन यानी कि H प्लस एन पोटेशियम एंटीपेज, ये जो कि एंटीपोटर है, इसके थ्रू कैनालिकुली में पंप कर दिया जाता है। तो H आयन यहां से आ गए और Cl आयन जो यहां अंदर आए हैं ये, और जो हम पढ़ते हैं एबीसी ट्रांसपोर्ट उसके थ्रू भी सीएल माइनस पंप को पंप किया जाता है। तो ये सीएल माइनस आयन ल्यूमिन ऑफ कैनालिकुली में प्रेजेंट हो जाते हैं, और यहां पर ये दोनों मिलकर एचसीएल का सिंथेसिस कर देते हैं। इस तरह से एचसीएल का सिक्रेशन होता है। इसके साथ में पैराइटल सेल में आयन्स के बैलेंस बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है ईसीएम की साइड, यहां पर सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रेजेंट होता है जो कि सोडियम आयनों को अंदर और पोटेशियम को बाहर भेजता रहता है, और यहां पर जो पोटेशियम अंदर आए हैं इनका भी यहां पर चैनल्स होते हैं जो कि वापस लीकी चैनल के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से
आयन का बैलेंस बना रहता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑस्मोस के थ्रू कैनालिकुली में एंटर करता रहता है और इस हाईली एसिडिक एसिड को थोड़ा सा लो पीएच यानी कि थोड़ा सा डाइल्यूट करता रहता है। अब इसका रेगुलेशन कैसे, इसका रेगुलेशन होता है, तो सबसे पहले जो रेगुलेशन है, फर्स्ट रेगुलेशन का टाइप ये कि ये जो पोटेशियम और हाइड्रोजन के पंप हैं वो हमेशा इन कैनालिकुली पर लगे नहीं रहते हैं। बिफोर द स्टिमुलेशन ये वेसिकल्स में, वेसिकल्स की मेम्ब्रेन में यहाँ पड़े रहते हैं। जैसे ही फूड एंगल किया जाता है इनको स्टिमुलेशन मिलता है और ये यहाँ मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाते हैं। वेसिकल्स एक्सोसाइटोसिस से शो करती है और ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट के बाद ये अपना वर्क करने लगते हैं। तो पहला तो रेगुलेशन हो गया कि अगर पंप ही नहीं होगा तो एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा, इनएक्टिव हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच पंप होगा, यानी कि एसिड का सिक्रेशन एनी टाइम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है हिस्टामिन का। जब हम फूड एंगल्फ करते हैं तो हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है डिफरेंट हार्मोन के साथ साथ, और ये हिस्टामिन के रिसेप्टर इससे बाइंड करते हैं और ये इसको स्टिमुलेट करते हैं एससीएल के सिक्रेशन को। हिस्टामिन एससीएल के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा रेगुलेशन हो गया। अब कुछ ऐसे इनहिबिटर, कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है जो कि इस हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एससीएल का सिक्रेशन नहीं होता है। हमने पढ़ा एसिडिटी हो गई या हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनमें कुछ पेंटापेराजोल या डिफरेंट टाइप की मेडिसिन दी जाती है, तो उनमें से कुछ का फंक्शन होता है कि वो इस हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपीएच पंप को ऑफ कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एससीएल का सिक्रेशन नहीं होता है, पहला। दूसरा, कुछ एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट भी दिए जाते हैं एज ए मेडिसिन, जो कि जो एसिड है इसका न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे। और तीसरा, एसिड ड्रग जो कि ब्लॉक कर देगी हिस्टामिन के बाइंडिंग को। हिस्टामिन अगर बाइंड नहीं होगा तब भी एससीएल का सिक्रेशन नहीं होगा, तो हिस्टामिन बाइंडिंग रिसेप्टर पर एसिड ड्रग दे दी जो कि हिस्टामिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करती है और एससीएल के सिक्रेशन को रोकती है। तो इस तरह से इसका रेगुलेशन होता है।